आज तक जब भी मैं कन्याकुमारी का नाम सुनता था तो मुझे लगता था कि ये इंडिया का एंड पॉइंट है। तो जितने भी साइकिलिस्ट हैं, जितने भी राइडर हैं, वो कश्मीर से शुरू करते हैं और कन्याकुमारी आकर के अपने राइड को खत्म कर देते हैं। लेकिन आज जब मैं खुद कन्याकुमारी पहुंचा हूं तो मुझे पता चला है कि कन्याकुमारी किसी भी साइकिलिस्ट या राइडर के जर्नी के एंड पॉइंट होने से ज्यादा बहुत कुछ है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कन्याकुमारी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह है जो आप घूम सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ठहरने के अलग अलग ऑप्शन भी बताऊंगा और उनकी एवरेज कॉस्ट भी बताऊंगा। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। जो सिविलाइजेशन है कन्याकुमारी की वो करीब 4000 साल पुरानी है। तो कन्याकुमारी एक शक्तिपीठ की है और हिंदुओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। माँ पार्वती का कुमारी अम्मा के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल है। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर है वो सब एक दूसरे के नजदीक है और विद इन 2 और 3 किलोमीटर के स्पैन में आप सारे प्लेसेस को विजिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कुमारी अम्मा टेम्पल से। कुमारी अम्मा टेम्पल की एंट्री बहुत ही सिंपल है, आप जूते बाहर निकाल दीजिए और सीधे मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, जहाँ पर देश के कोने कोने से हिंदू श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ये मंदिर माँ कन्याकुमारी को समर्पित है, जिन्हें माता पार्वती का एक अवतार माना जाता है। इस मंदिर का नाम है कुमारी अम्मा टेम्पल। मंदिर में दर्शन सुबह को 4:30 बजे शुरू हो जाते हैं और 12:30 बजे तक दर्शन होते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो जैसे आप दर्शन करके बाहर आते हैं और मंदिर से निकलते ही राइट टर्न करते हैं तो इसके बिल्कुल पीछे आता है त्रिवेणी घाट। हार्डली 200 मीटर की दूरी पर त्रिवेणी घाट है। यहाँ पर आपको 5 रुपए में इडली खाने को मिल जाएगी, तो अगर आप सस्ता खाना खाना चाह रहे हैं तो त्रिवेणी घाट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। त्रिवेणी घाट में 3 अलग अलग समुद्रों का संगम होता है, राइट साइड से अरेबियन सी, लेफ्ट साइड से बे ऑफ बंगाल और नीचे से इंडियन ओशन, तीनों का संगम वहाँ पर है। तो इसकी अहमियत बहुत है, यहाँ पर लोग आकर के स्नान करते हैं। यहाँ के लोगों को मैंने पिंडदान करते हुए भी देखा है। यहाँ पर स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, बढ़िया इडली खाने के बाद, जैसे ही आप राइट टर्न करके सामने की तरफ निकलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे महात्मा गांधी मंडपम। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने मरते वक्त ये इच्छा जाहिर की थी कि उनकी अस्थियों को त्रिवेणी घाट पर ही समर्पित किया जाए। इसी के यादगार के रूप में यहाँ पर गांधी मंडपम नाम से ये बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ जाकर के आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में महात्मा गांधी के जीवन के दर्शन कर सकते हैं। ये तीनों जगह देखने के बाद करीब 500 से 600 मीटर वॉक करके आप पहुंच जाएंगे जेटी पॉइंट। यहाँ से फेरी लेकर के पहुंचेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। फेरी की टिकट 75 रुपए की है जनरल क्लास में, स्पेशल क्लास 450 रुपए की टिकट है। एंड लेट मी टेल यू, स्पेशल क्लास जनरल क्लास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जनरल क्लास में आप बाहर ओपन में बैठ कर जाते हैं और स्पेशल क्लास में आपको एक कैबिन मिलता है। ये जर्नी टाइम सिर्फ 15 मिनट का है। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहां पर आपको रॉक मेमोरियल के दर्शन करने के लिए 30 रुपए की एक और टिकट लेनी होती है और इस तरह से ये पूरा आपको 105 रुपए कॉस्ट करता है। आप अपने शूज निकाल करके पहुंचेंगे मंदिर के ऊपर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल टेंपल के बिल्कुल साथ में एक स्टैचू है जिसे यहाँ के बहुत ही बेहतरीन कवि थिरुवल्लुवर के स्टैचू के नाम से जाना जाता है। यहीं पर है वो रॉक जिसके ऊपर खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक तपस्या की थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठंडी शीतल हवा हर तरफ से बहती है और यहाँ पर आपको टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप जितना वक्त चाहे यहाँ पर गुजार सकते हैं। उसी फेरी में वापस से यात्रा करके आप मेनलैंड पर पहुँच जाएंगे। अगर शाम का वक्त हो गया तो आप सनसेट व्यू पॉइंट जा सकते हैं। ये एक सीनिक सा स्पॉट है जो समंदर के दूसरी तरफ आपको सनसेट देखने का मौका देता है। सनराइज और सनसेट देखने के लिए यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, वहाँ से भी आप सनसेट और सनराइज का आनंद ले सकते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ कर गया था कन्याकुमारी पियर और यहाँ से मैंने सनराइज होते हुए देखा था। तो ये खुद में एक नया एक्सपीरियंस है। आप करीब 0.5 किलोमीटर समंदर के बीच में चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से फिर आपको दिखाई पड़ता है सनराइज बिल्कुल आंखों के सामने होता हुआ। कन्याकुमारी पियर सनसेट और सनराइज देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। कन्याकुमारी में रहने के लिए बहुत सारे सस्ते और महंगे ऑप्शन हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी जगह चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हैं तो भारत सेवाश्रम की बिल्डिंग में जाके आपको 300 रुपए में रूम मिल जाता है और उसमें 100 रुपए और देने पर आपको एक वक्त का खाना भी मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग तरह के होटल और लॉज हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपए से रूम शुरू हो जाता है। आप चाहें तो निगोशिएट भी कर सकते हैं। एवरेज खाने का रेट यहाँ पर 70 रुपए के मील से शुरू होता है। इडली का रेट 20 रुपए है, चाय का रेट 15 रुपए है। किसी अच्छे होटल में जाओगे तो वहाँ पर आपका खाने का
मील एवरेज 100 या 150 रुपए का कॉस्ट करेगा। 100 रुपए में मील और 40 रुपए में टिफिन की फैसिलिटी है, जिसमें आपको 3 इडली और 1 वड़ा मिल जाता है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सारी जगह बहुत नजदीक है एक दूसरे से, तो वॉक करके जाना एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह से आप अपना पूरा एक दिन कन्याकुमारी में अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं और अगले दिन किसी नए डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। कन्याकुमारी की इन सब जगह को देखने के लिए एक दिन का वक्त काफी है। अगर आप सनसेट इंजॉय नहीं करना चाहते, सनराइज देख चुके हैं, तो आप ये सारी जगह 2-3 बजे तक घूम करके अगली लोकेशन की तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। अगर कोई लोकेशन मैंने मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए, वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।